जैसे सबको पता है आज हमारे YouTube पे हंड्रेड के सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो चुका है इसके लिए ना बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया ये सब है ना आपके सपोर्ट की वजह से हुआ इसी खुशी में ना तो मैंने आपके लिए लाया ये स्पेशल हंड्रेड के की रेसिपी तो आज हम बनाने वाले ये फेमस चिकन तिक्का बिरयानी मतलब खाओगे ना बाहर की बिरयानी ना बिल्कुल भूल जाओगे मेरी हंड्रेड गारंटी है तो वीडियो इन तक ज़रूर देखना तो सबसे पहले ना हमें ना सारे इंग्रेडिएंट्स ना एक साथ लाने थे मतलब इसके लिए ना मैंने एक दिन पहले ही सारी शॉपिंग कर दी थी सब मंडी में जाके ना मतलब मैंने मॉल नहीं गए डायरेक्ट मैं मंडी में क्योंकि यहाँ ना ज़रा सस्ता मिलता है मॉल में थोड़ा हाई रेट चढ़ा के बोल देते इसलिए मैंने ना मंडी में जाके ना सारे इंग्रेडियंट्स ले लिए ए टू जेड मतलब है ना जो जो चाहिए थे ना सब ले लिया था तो हमेशा ना सब लोग है न हंड्रेड के में ना केक की रेसिपी डालते या कपके की या कुछ भी स्वीट की तो मैंने सोचा कुछ अलग करते और ये हंड्रेड के स्पेशल में ना मतलब मैं इतनी सारी बिरयानी बना रही हूं। और ये ना हूं। है ना मैं पूरे मोहल्ले में बांटने जितने भी तो तो अदरक लिया मिर्ची टमाटर प्याज कोतमीर और है ना पुदीना तो सारी चीज ना साफ कर लेते तो मैंने पहले ना लहसुन से शुरू किया और लहसुन को ना चुन के ना साफ कर दिया अच्छी तरीके से देखो कितने तो उसके बाद ना मैंने अदरक ले लिया और उसको चाकू से भी ना अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया तो चलो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या कह लिया पहले तो मैंने चिकन ले लिया उसको अच्छी तरीके से मैंने ना साफ़ कर लिया उसके बाद मैंने लिया टमाटर जिसको मैंने रफली कट कर लिया था और उसके बाद ग्रीन चिल्ली इसको भी काट लिया उसके बाद मैंने लिया पुदीना कोतमीर और ना ये लींबू ले लिया तो फिर मैंने ले लिया प्याज जिसको ना मैंने लंबी लंबी और पतली पतली कट कर लिया ब्रीस्टे की जैसा उसके बाद मैंने ले लिया अमूल बटर दही और मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था तो सबसे पहले ना चिकन के साथ शुरुआत कर लेते हैं मतलब मैंने ना चिकन को ना साफ़ कर दिया और उसको अच्छी तरीके से धो लिया आप भी अच्छी तरीके से धो लो तो मैंने चिकन को ना बड़े पतीली में शिफ्ट कर दिया और उसके बाद उसके ऊपर मैंने डाल दिया दही ये लाल मिर्ची पाउडर हल्दी ज़ीरा पाउडर डाल दिया धनिया पाउडर डाल दिया गरम मसाला भी डाल दिया उसके बाद मैंने डाला अदरक लहसन का पेस्ट फिर मैंने ऐड किया नमक स्वाद अनुसार नमक यूज़ करना उसके बाद मैंने ऐड कर दिया कलर और है ना बटर का ना एक स्लैब डाल दिया और मैंने तेल डाल के ना इन सब चीज़ों को ना अच्छी तरीके से ना मैंने ना मिक्स कर दिया फिर मैंने इसको ना मीडियम टू लो फ्लेम में ना पकने के लिए ना छोड़ दिया मतलब इसके अंदर जो पानी था ना वो पूरा अब्जो होना चाहिए चिकन तक उतना पका रहा हो इसको तो जब तक हमारा चिकन पक रहा है मैंने सोचा ना मीठे में ना कुछ बना लेते तो मैंने यहाँ एम टी आर का गुलाब जामुन का पैकेट लिया और इसको ना बाउल में पूरा निकाल दिया और दूध से ना थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने इसको अच्छी तरीके से डो फॉर्म में रेडी कर दिया और ये ना सॉफ्ट डव बनाना तो ही हमारे गुलाब जामुन है ना अच्छे बनेंगे तो जब मेरा डाव रेडी हो गया ना तो मैंने थोड़ा घी लेकिन इसकी अच्छी तरीके से मालिश कर दी और गोलियाँ बनाना शुरू कर दी मतलब आपको इसकी गोलियाँ ना इतनी अच्छी बनाना है मतलब बीच में ना क्रैक नहीं होना चाहिए क्रैक नहीं होंगे ना तो आपके गुलाब जामुन ना अच्छे बनेंगे तो ये मेरी ट्रिक है ना आप याद रखना तो चिकन को भूलना मत आपको बीच में बीच में ना इसको हिलाते रहना है ताकि वो चिपके ना और इसमें ना एम के पैकेट में लिखा था कि हंड्रेड गोलियाँ बन जाती हैं मगर मेरे ना एटी ही बने मैंने थोड़ा बड़े बनाए थे शायद उस वजह से कम बन गए आप छोटे बनाओगे ना आपके हंड्रेड बन ही जाएंगे तो जब तक ना गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते तो मैंने कढ़ाई ले लो उसमें घी डाल के ना मतलब आपको है ना ये गुलाब जामुन ना लो फ्लेम में पका लेना मतलब फ्राई कर लेना है जल्दी नहीं करना है हल्लू करोगे ना अंदर से भी पक जाएंगे और इसको है ना गोल्डन ब्राउन होने तक पका लो अच्छी तरीके से पका लेना जैसे मेरे वीडियो में बताया था फिर मैंने सारे गुलाब जामुन को चाचनी मैंने रेडी करके रखा था उसमें डाल दिया देखो कितने अच्छे लग रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है ना हलवाई के जो गुलाब जामुन रहते हैं ना तो ऊपर तैरते रहते वैसे दिख रहे बहुत अच्छे बने थे और ना बहुत बड़े बड़े भी बने थे तो इसलिए ना आप छोटे गुलाब जामुन बनाना तो आपके हंड्रेड बन जाएंगे सारे गुलाब जामुन ऐसे ही तल लो मुझे ये बताना कि आपने ना कच्चा गुलाब जामुन खाए हो मतलब मैं तो खाती हूँ मुझे कमेंट करके बताना आप खाते हो क्या तो देखो हमारे गुलाब जामुन कितने सारे बन गए और कितने ना मतलब जूसी जूसी लग रहे मतलब बहुत अच्छे थे बड़े बनाओगे ना आपके भी ऐसे दिखेंगे तो गुलाब जामुन तो बन गए तो अब है ना चावल की ओर बढ़ते तो मैंने यहाँ चावल ले लिया है देखो बासमती राइस है और ये ना टेन ग्लास चावल ले लिया मैंने जैसा बताया ना वीडियो में वो ग्लास यूज़ किया उस, उसके माप से मैंने टेन ग्लास यूज़ किया और उसको अच्छे तरीके से धो के ना मैंने इसको पानी में ना भिगो के रख दिया था तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें ना ग्रेवी बनाना है चिकन का इसके लिए ना मैंने बड़ी पतीली ना तेल डाल के ना भिस्ते के जो प्याज काटे थे ना हमने उसको ना फ्राई कर लेना मतलब है ना अच्छी तरीके से फ्राई कर लो पका लो कच्चा मत रखना अगर प्याज जल जाएंगे ना तो टेस्ट खराब हो जाएंगे तो जलाना मत तो प्याज तो हमारी फ्राई हो गई तो इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको भी भून लो अच्छी तरीके से भून लेना मतलब हर चीज जो भी डाल रहे हो ना उसको अच्छी तरीके से भून ही लेना है हमें फिर मैंने डाला टमाटो की प्यूरी मतलब इसको भी ना अच्छी तरीके से भून लेना अगर अच्छी तरीके से भूनोगे ना तो टेस्ट ना डबल अच्छा आएगा तो भूनना जरूर आ तो अब डाल दो कटी हुई हरी मिर्च और हमें ना सारे मसाले ना वापिस से रिपीट करना है जैसे कि लाल मिर्च पाउडर ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला कोतमीर पुदीना और नींबू डाल के ना अच्छी तरीके से ना इसको दो मिनट के लिए ना पका लो <laughs> तो मैंने ना नमक डालना भूल गई तो मैंने नमक डाल के इसको हिला दिया और जो चिकन की ग्रेवी हमने बनाया था ना वो मैंने इसमें डाल के ना इन सब चीज़ों को ना अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया मिक्स करने के बाद ना इसको ना आपने पाँच से दस मिनट ना ढक के पका लेना है मतलब है ना ताकि सब चीज़ों को फ्लेवर ना अच्छी तरीके से आए तो इसको अच्छी तरीके से पका लो तो हमारा चिकन ना रेडी हो चुका है इसमें से ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना बिरयानी बनाओ नहीं मैं ऐसी ही खा लूँ इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तो हमारी ग्रेवी तो रेडी हो चुकी है अब है ना हमें चावल बनाना है इसलिए ना मैंने बड़ी पतीली ले ली उसमें ना पानी डाल के मैंने गरम मसाला और नमक ऐड करके ना मैंने इसको ना जोश लाने छोड़ दिया जब जोश आ जाएंगे ना मैंने ना जो जो चावल भिगो के रखे थे ना वो इसमें डाल दो और इसको ना एटी परसेंट तक पका लेना और बीच बीच में ना चम्मच हिलाते रहना है तो हमारे 80 परसेंट चावल पक चुके हैं तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दो छन्नी से छान के निकाल देना इन सब चावल को निकाल दो जल्दी से निकालना हल्के हाथों से तो हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं ग्रेवी भी रेडी हो चुके हैं तो अब ना हम लोग लेयर्स बनाना शुरू करते हैं तो मैंने ना बड़ी पतीली ले ली उसमें ना चावल का एक पतली सी लेयर डाल के ना जो चिकन की जो ग्रेवी बनाई थी ना वो डाल दिया अच्छे तरीके से डालना हर तरफ डालना उसके बाद मैंने ना ऊपर से ऑफिस से चावल डाल के ना मैंने थोड़े कलर्स ऐड कर दिया अच्छे दिखने के लिए उसके बाद चिकन की लेयर डाल दी अच्छी तरीके से डालने के बाद है ना चावल की और एक लेयर लगा दी और उस पर ना दो चम्मच तेल डाल के ना मिक्स करके मैंने इसको ना अच्छी तरीके से सेट करने के बाद है ना ऊपर से मैंने कलर डाल दिया फिर से और पेपर से लगा के इसको ना दम पे छोड़ दिया फोर्टी फाइव मिनट्स के लिए दम पे छोड़ देना है तो हमारी बिरयानी भी रेडी हो चुकी है और गुलाब जामुन भी रेडी हो चुके जो तो जैसे मैंने बताया था हंड्रेड के के स्पेशल में मैं मोहल्ले में सबको बांट रही हुई ये सब तो चलो कंटेनर भरना शुरू कर देते हैं मैंने ना पहली बार इतनी बड़ी क्वांटिटी में कुछ बनाया मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी में मैंने ना बिरयानी बनाया गुलाब जामुन बनाया मतलब मैंने ना पहले कभी इतना बनाया नहीं मगर फिर भी ना इतना सारा बना के भी ना इतनी टेस्टी बनी थी इतनी स्पाइसी मतलब हर चीज़ परफेक्ट बनी थी यार मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है तो मुझे ना ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते ना तो मैं आपकी ना अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहूँगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और नए हो तो सब्सक्राइब ओके बाय